Hallelujah. 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 स्वयं आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन में से देखते हैं। मैं आज आपको यह बताना चाह रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं, जिसे कई भूत कह देते हैं, दुष्ट आत्माएं आपको जानती हैं, आपको पहचानती हैं, आपसे डरती हैं या आपको डराती हैं, दोनों में से एक चीज यह पक्का है कि दुष्ट आत्माएं, भूत, प्रेत, चुड़ैल, जो मर्जी कहें, जिन, ये, वो, दुष्ट आत्माएं आपको, दुष्ट आत्माएं आपको जानती हैं, दुष्ट आत्माएं आपको जानती हैं। जा तो आपको वो डराती हैं, जहां आपसे डरती हैं। सो जो आप परमेश्वर के लोग हो, आप जो परमेश्वर के लोग हो, मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं आपको जानती हैं, दुष्ट आत्माएं आपको पहचानती हैं, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं। आपसे कहीं अधिक दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं। हालेलुया। इस संसार के लोगों से बहुत अधिक दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को पहचानती हैं, उसकी शक्ति को और सब कुछ अच्छे से वो जानती हैं। हमसे भी अधिक तरीके से उन्हें पता है, क्योंकि शैतान को पता है, जब वो ऊपर से नीचे गिराया गया, सब बातें उसे मालूम है। लेकिन आपको जानती तो हैं दुष्ट आत्माएं, जा तो वो आपको क्या करती हैं, डराती हैं, जा तो आपको डराती हैं, जहां तो आपसे डरती हैं, यह आपको मालूम होगा। जहां तो दुष्ट आत्माएं आपसे डरती हैं, तो जहां आपको डराती हैं, दोनों में से एक काम जरूर करती हैं। यह नहीं है भी आपसे डरती भी हैं और डराती भी हैं, ऐसा नहीं है। जहां तो आपसे डरती हैं क्योंकि आपको पहचानती हैं भी ये तो विश्वासी लोग हैं, तो जहां ये आपको जानती पहचानती हैं कि इनका विश्वास डगमगा रहा है, और फिर आपको डराती भी हैं। आए हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, मरकस 5 अध्याय और उसका 7 वचन। वहां पर एक व्यक्ति था जिसके अंदर 6,000 दुष्ट आत्मा थी। कब से पकड़ा, 22 साल हो गए इसको पकड़े हुए। 15 साल हो गए, 15 साल हो गए, 15 साल हो गए। दुष्ट आत्मा कब से पकड़े इसको? 20 साल हो गए मुझे इसकी, जब शादी हुई ना, उस सबसे मैं इसके पीछे। 20 साल हो गए दुष्ट आत्मा ने इसे पकड़ रखा है, जब से इसकी शादी हुई है उस समय से दुष्ट आत्मा ने पकड़ रखा है। आज तुझे इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। ऐ दुष्ट आत्माएं, तुझे आज्ञा देता हूं, पर यीशु के नाम से इस शरीर को छोड़, निकल, 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 पर यीशु के नाम से निकल, छोड़े से, छोड़े से, छोड़े से। नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। 6,000 दुष्ट आत्माएं थी, उसके अंदर लिगियोन था। पर यीशु ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा लिगियोन, हिंदी में लिखा सेना। जो लिगियोन होता था वो 6,000 सेना की एक टुकड़ी होती थी। तो इसके अंदर 6,000 दुष्ट आत्मा हैं, और बड़े लंबे समय से इसे परेशान किया। मैं उसकी ओर नहीं जाना चाह रहा, जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, वो दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को देखकर क्या कहती हैं? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। क्या कहती है दुष्ट आत्मा? हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। किसी ने नहीं कहा परम प्रधान के पुत्र उसे,
लेकिन दुष्ट आत्मा जा रही है। वहां पर बाइबल के बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे, पुराना नियम के सदूकी फरीसी, किसी ने नहीं ये कहा कि हे परम प्रधान के पुत्र, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, इसलिए तो सूली पे उन्होंने चढ़ा दिया था। लेकिन ये दुष्ट आत्मा क्या कह रही है, हे यीशु परम प्रधान के, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं भूत प्रेत जो भी है वो जानती हैं कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया हालेलुया। और दुष्ट आत्माएं मुझको और आपको भी जानती हैं, दुष्ट आत्मा आपको भी जानती हैं। प्रेरितों के काम 16:16-17 यहां पर किसी में दुष्ट आत्मा थी और वो क्या कह रही है, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। कोई कहे हालेलुया। दुष्ट आत्मा क्या कह रही है, पास्टर जी के विषय में क्या कहती है दुष्ट आत्माएं, पलूस और सलास के विषय में क्या कह रही थी, आपके विषय में दुष्ट आत्मा क्या कहती हैं, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। आपके विषय में मैं क्या कहती है दुष्ट आत्माएं आपको देखकर, ये लोग परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। आपके बारे में क्या कहती है दुष्ट आत्माएं, सिर्फ पास्टर के बारे में नहीं कह रही, ये लोग ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं जो लोगों को उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। हालेलुया। जो दूसरे लोगों को क्या सुनाते हैं, कौन सी कथा, उद्धार का मार्ग। उद्धार का मार्ग क्या है, क्योंकि मार्ग कौन है, प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना में लिखा जैसे मार्ग सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा को पता था, दुष्ट आत्मा को पता था, दुष्ट आत्मा जानती है, हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। दुष्ट आत्मा प्रभु यीशु मसीह को जानती है, दुष्ट आत्माएं आपको जानती हैं। पल्लूस और सलास से कहती हैं, ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। जब आप गली में से जाते हो, कहीं भी जाते हो, जब आप गली में से जाते हो, बाजारों में जाते हो, मार्केट में जाते हो, अपने घर या किसी के घर जाते हो, कहीं भी आप जाते हो, चर्च में जाते हो, चर्च से आते हो अपने घर की ओर, तो रास्ते में जितनी दुष्ट आत्मा होती हैं, वो क्या कहती हैं, आपस में बातें करती हैं, ये मनुष्य चर्च जाकर आए हैं, ये मनुष्य चर्च जा रहे हैं, ये तो बहुत बड़े विश्वासी हैं। कौन कहती हैं, दुष्ट आत्मा कहती हैं, ये तो बहुत बड़े विश्वासी हैं, थोड़ा सा दूरी रहो इनसे, है ना। जो छोटी छोटी दुष्ट आत्मा है उन्हें कहती होंगी, अरे थोड़ा किनारे हो जा, मैं जानती हूं, दुष्ट आत्मा कहती होगी, मैं जानती हूं ये तो परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं। जो मनुष्यों को, दूसरे लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब यह हुआ कि दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को जानती हैं कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, और आप लोगों को भी दुष्ट आत्मा जानती हैं, इसलिए आपसे डरती हैं। और अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो दुष्ट आत्मा फिर भी आपको जानती हैं, और इसलिए फिर आपको डराते भी हैं, क्योंकि वो जानती हैं। आप प्रेरितों के काम 19:15 उसका 15:16 को पढ़िए। और पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया,
यीशु को मैं जानती हूं। कौन बोल रहा है? दुष्ट आत्मा कहती है। क्या कहती है? यीशु को मैं जानती हूं और पलुस को मैं पहचानती हूं। पलुस को भी पहचानती हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को भी जानती है कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, और आपको भी वो जानती है कि आप परम प्रधान परमेश्वर के दास हो। हालेलुया, हालेलुया। यहां हो क्या रहा है? कोई और व्यक्ति था, जाके कहने लगे, जिस नाम से वो निकालते हैं ना भूत, पास्टर जी, उसी नाम से हम भी कहते हैं, ए भूत निकल जा। भूत ने क्या किया? उसे पकड़ लिया, यहां से गलमे से पकड़ लिया, पकड़कर कहते ही, मेरी सुन, यीशु को मैं जानती हूं कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, और पास्टर को भी मैं जानती हूं, उस विश्वासी को भी मैं जानती हूं, ना लेकर आपका कहती वो, उसको भी मैं जानती हूं। आगे लिखा है, परंतु तुम कौन हो? उसने पकड़ कर कहते, तुम कौन हो? तुम्हें मैं जानती हूं, तुम्हें मैं जानती हूं, तुम कौन हो? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं जानती हूं, उसकी कलीसिया के लोग जो हैं, चर्च के जो लोग हैं, जो विश्वासी हैं, उनको भी जानती हूं, तुम कौन हो? लिखा है, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उन पर लपक कर और उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। हालेलुया। वो कहते, रुक एक मिनट, मैं तुझे बताती हूं, परमेश्वर को भी मैं जानती हूं। उसने कहा, उसके नाम से निकल तो बहुत, जिसके नाम से वो निकालते हैं, परमेश्वर का नाम लेकर निकालते हैं, ठीक है। उसने कहा, रुक एक मिनट, पकड़ लिया, परमेश्वर मसीह को तो मैं जानती हूं कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर के दासों को भी मैं जानती हूं कि वो परम प्रधान परमेश्वर के दास हैं, तुम कौन है? इधर आओ। सारे कपड़े कुपड़े फाड़ दिए, पीटा पुटा उन्हें, और बड़ी मुश्किल से वो वहां से भाग गए। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं आपको जानती हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपको वो पहचानती हैं। अगर आप मसीह में हो, एक वचन पढ़ना, और मरकस 16 अध्याय और उसका 17 वचन, मरकस 16 अध्याय और उसका 17 वचन क्या लिखा है? विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रभु यीशु के नाम से इस शरीर को छोड़, निकल निकल निकल, प्रभु यीशु के नाम से निकल, छोड़े से, छोड़े से। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। किसके नाम से? प्रभु यीशु के नाम से। तो दुष्ट आत्मा कैसे निकलती हैं? क्योंकि उन्हें मालूम है कि वो परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीह, यीशु मसीह है, और ये परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं। और अब यहां पर मुझे नहीं रुकना, यहां पर मुझे नहीं ठहरना, यहां से तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होगा कि वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। और जो विश्वास नहीं करते, उसको कौन निकालेगा? भूत निकालेगा उन्हें। उस घर से कौन निकालेगा? भूत निकालेगा। ये लोग जब आए थे भूत निकालने के लिए, वो कहते, हम उसके नाम से निकालते हैं जिस नाम से पलुस निकालता है, परमेश्वर के नाम से कह रहे थे। उसने कहा, मैं जानती हूं, पलुस को भी जानती हूं, परमेश्वर मसीह को भी जानती हूं, तुम कौन हो? पकड़ा को और उन्हें निकाला, आए थे भूत निकालने। सो आप विश्वास करते हैं तो चिन्ह होंगे कि मेरे नाम से, प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा को निकाल लोगे आप। एक और आयत पढ़ते हैं, लुका 10 अध्याय और 19 वचन, लुका 10 अध्याय 19 वचन। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों का अधिकार देकर भेजा, तब
तो वो चेले जब वापस आए, 70 चेले वापस आए, वहां लिखा है वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हैं। हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में हैं। पहले दुष्ट आत्मा को निकालते थे, ए दुष्ट आत्मा जी जाओ, वो कहते ना मैं नहीं जाती, क्या चाहिए, मैं तो ये लूंगी वो लूंगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, हमारे यहां पर हमारे बच्चे लोग कहीं लिटरेचर बांटने गए हुए थे, तो लिटरेचर बांट रहे थे तो एक परिवार उन्हें मिला, उन्होंने कहा भी मेरी बहन में दुष्ट आत्मा है और वो यहां से 250 किलोमीटर दूर है तो ठीक हो जाएगी। उसने कहा हाँ ठीक हो जाएगी, 9 साल से उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। जब उसे लेकर आए, 35 लोग उसे पकड़कर लेकर आए उस औरत को जिसमें दुष्ट आत्मा थी, और जो जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसका पिता तांत्रिक था, लोगों के लिए कुछ ना कुछ करता था। जब उसे पकड़कर लेकर आए, आके चर्च में छोड़ा, एतवार का दिन नहीं था, एकदम ऐसे से घूमते घूमते आगे, घूमते घूमते पीछे जाए, घूमते हुए आगे, घूमते हुए पीछे जाए। और मैं एक दो मिनट मैंने कहा कोई बात नहीं, सब देख ले थोड़ा सा, और मैंने कहा 2 मिनटों के बाद फोन प्रार्थना करता हूं। उसे क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इतनी बड़ी दुष्ट आत्मा, वो किराए के मकान में रहते थे, वो और उसका पति और छोटे बच्चे। दुष्ट आत्मा ने इतना तंग किया कि उसका घर वाला उसे सारा दिन हमेशा वहां लिए फिरता रहता, इधर उधर इधर उधर इधर उधर, चर्च को छोड़कर बाकी जगह पर, कि वो भूत निकल जाए। लेकिन दुष्ट आत्मा नहीं निकला। हुआ क्या, आखिरकार उस घर में भूखमरी हुई, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था, तो क्या करने लगे वो क्या करते हैं, रेलवे स्टेशन पर अपने छोटे छोटे बच्चों को, अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या किया, रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आते, कटोरा हाथ में देकर, हाथ में कटोरा दिए हुए रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आते। जब रेलवे स्टेशन पर उसे छोड़ आते तो क्या होता, छोटे छोटे इतने इतने बच्चे सारा दिन भीख मांगते, सारा दिन भीख मांगते रहते, और रात को वो आकर ले जाता, सुबह उनका पिता छोड़ता स्टेशन पे, रात को उन्हें ले जाता, कमरा जो क्रैप का था वो छूट गया, और उन्होंने एक झुग्गी बनाई, दूध वाली डेयरी के पास में खाली जगह थी, उसमें एक झुग्गी बना दी और उसमें रहने लगे। परमेश्वर के लोगों, जो बच्चे सारे दिन मांगते थे उससे वो थोड़ी रोटी भी खाते और उसके लिए तभी धागा भी लेते। जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा नहीं निकली, 9 साल लगे, तो वहां पर मुझे दिखाया, यहां पर उसके गरम चिमटे मारे हुए थे, गरम चिमटे लगाए हुए थे, उसका पीछे से सब जला हुआ था, यहां से कंधा, गर्म चिमटे लगा लगाकर फिर भी दुष्ट आत्मा निकली। फिर कहते इसको नाली का गंदा पानी पिलाओ, तो उन्होंने नाली का गंदा पानी, मतलब गंदगी, उसको पिलाई, फिर दुष्ट आत्मा ने निकली। फिर उसने कहा कि इसको अब मुझे बताना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन बता रहा हूं। कहते इसे काले कुत्ते की लैटरिन लेकर आओ और उसकी धूनी दो इसे। तो घर के अंदर उन्होंने आग रखी, कोयले रखे, और कोयलों के ऊपर सूखी हुई काले कुत्ते की, पता नहीं कैसे ढूंढी होगी काले की, तो काले कुत्ते की लाकर उन्होंने लैटरिन उसके ऊपर रखी और धूनी देने लगे। दे तो उसको ले रहे थे, लेकिन सारा परिवार कमरा भर गया, और बाद में वो झोंपड़ी में आई, ठीक है। तो ऐसे हालात बिगड़े।
फिर भी दुष्ट आत्मा निकली, फिर उसे कहा तूने एक ही सूट पहनना है, मेकअप नहीं करना, नहीं तो फिर भूत तंग करता है। ऐसा हालात बहुत हाल हुआ, फिर भी दुष्ट आत्मा निकली। मैं आपको बताऊं, फिर प्लास लेकर उसके नाखों को खींचा, नाखून खींचे बार, और फिर भी दुष्ट आत्मा निकली। आखिर जब यहां पर लेकर आए, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के नाम से निकल गई। बच्चे उसके स्कूल जाने लगे, झोंपड़ी छोड़कर वो किराए के कमरे में चले गए और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। जब वो एतवार को आए, उसने बहुत बड़ा गाउन वगैरह पहन रखा था, घाघरा सा बड़ा बढ़िया सा, और मैं देख रहा हूं वो आए नहीं है। वो कहते यही तो है, प्रभु के लोगों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो कैसे निकल गई? जमूर से खींच रहे हैं, वो नहीं निकली, चिमटे गरम मार रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं। मैंने तो अभी शॉर्ट में आपको बताया, पूरा पूरा दिन किसी जगह पे छोड़ के आते थे, पूरा दिन वो खेलती रहती थी, खिलौनों से नहीं, वो खेलती रहती ऐसे ऐसे करके, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया। क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती थी कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हालेलुया। और दुष्ट आत्मा यह भी जानती थी कि यह परम प्रधान परमेश्वर का दास है। हालेलुया। वो जानती थी इन्हें अधिकार है। जब मैंने डांटा कि प्रभु यीशु के नाम से निकल, और वो चली गई। हालेलुया। नाक से नकीरें निकाली, पहले वो कहते क्या लेगी, कहती मैं तो ये कपड़ा लूंगी, मैं ये लूंगी, मैं मुझे ये चाहिए, मुझे सात रंग की मिठाई चाहिए, ये वो पता नहीं क्या क्या, वो कहते अच्छा देंगे। तो यहां पर मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुझे आग लगे, वो चीखने लगी जैसे पवित्र आत्मा की आग लग रही, उसे जल रही हो जैसे। तब मैंने जब कहा नाक रगड़, और उसे नाक रगड़ा, और कहती अब नहीं आऊंगी, अब प्रभु यीशु ने उसे चंगा किया। नहीं तो बच्चे उसके भीख मांगते रह जाते, और वो अब तक तो वो बेचारी इस संसार को भी छोड़ जाती, ऐसे हालात बिगड़े हुए थे। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में चेले आए दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास, कहते हैं हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा किसके वश में है? किसके? विश्वासियों के, आप लोगों के, आप लोगों के वश में है दुष्ट आत्माएं। दुष्ट आत्माएं आपको जानती हैं, दुष्ट आत्मा आपको पहचानती हैं, इसलिए आपसे डरती हैं, इसलिए आपसे डरती हैं, इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करती हैं। जब आप कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से निकल, वो निकलते हैं। आप कहते हैं प्रभु यीशु के नाम से नाक रगड़ती हैं। आप आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से ऐसा कर, भाग, वो भागती हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, जहां कम विश्वास है, अल्प विश्वास है, जब आपके अंदर विश्वास है तो दुष्ट आत्मा क्या करती है? दुष्ट आत्मा क्या कहती है? मैं जानती हूं उन्हें, तो मैं जानती हूं। दुष्ट आत्मा क्या है? आपको जानती है किसके अंदर क्या है? विश्वास है, इसलिए मुझे यहां नहीं रहना। और जब आपके अंदर विश्वास नहीं होता तो फिर नहीं वो जानती क्या? फिर भी जानती है। अगर आपके अंदर विश्वास है तो दुष्ट आत्मा आपको जानती है, पहचानती है। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो भी दुष्ट आत्मा आपको जानती और पहचानती है। क्या पहचानती है? किसके अंदर विश्वास है? नहीं है, इसके अंदर विश्वास नहीं है। तो अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो दुष्ट आत्मा आपसे डरेंगी? दुष्ट आत्मा आपसे डरेंगी नहीं, बल्कि आपको दुष्ट आत्माएं डराएंगी। अगर आपके अंदर विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती हूं कि कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत,
चाहे सारी दुनिया की दुष्ट आत्माएं भूत प्रेत एक साथ इकट्ठी हो जाएं, पर यीशु के नाम से एड़ी से पांव के जूते से रगड़ेंगे उसे। अगर ऐसा विश्वास है तो कोई भी दुष्ट आत्मा आपको छू नहीं सकती। अगर आपके अंदर यह विश्वास है कहीं दुष्ट आत्मा आ ना जाए, है कहीं दुष्ट आत्मा पकड़ ना रहे, है कहीं मेरी बेटी में दुष्ट आत्मा ना आ जाए, है मेरे बेटे को ना दुष्ट आत्मा ले ले, आज शाम को मेरा घर वाला आएगा कहीं दुष्ट आत्मा उसके साथ ही ना हो, है ना। आज सुबह मेरा सिर घूम रहा था थोड़ा सा, कहीं दुष्ट आत्मा तो नहीं है? दुष्ट आत्मा आपको पहचानती है, अरे वो तो सिर इसलिए घूम रहा था क्योंकि कल 6 घंटे तक आपने टीवी देखा। दुष्टात्मा कार नहीं घूम रहा था, दुष्टात्मा कार नहीं घूम रहा था, वो जो चक्कर आ रहे थे, हो सकता शरीर में वीकनेस हो ना, कोई पीड़ा हो, दर्द हो सकता है कोई दुख हो, लेकिन कोई बीमारी हो, कोई वायरल हो, कोई अलग बातें हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा कभी नहीं, दुष्ट आत्मा कभी नहीं। आप लोगों के सामने सारी दुनिया की इकट्ठी होकर भूत कहे भी चलो आज चलते हैं इंदिरा के पास, किरानी के पास, डिंपल के पास चलते हैं, तो क्या है ये कहेंगे? आ नई नई जूती ली है अभी तो मैंने, ठीक है सुमन की शादी के लिए, तो रगड़ती हूं मैं तुझे, आया इधर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वो बिल्ली को देख रहे हैं अपने घर में तो क्या कहते हैं? हमारे घर में ना भूत इधर से आया था, सीढ़ियों से उतरा था। तो अच्छा आपने देखा ना, बिल्ली थी, बिल्ली नीचे आ रही थी, तो बिल्ली भूत था वो। कुछ लोग कहते हैं मैं रास्ते में जा रहा था और मुझे सांड मिला, वो भूत था। हर गलियों में तो यहां पर बहुत सांड हैं, वो भूत था। उस जैसे ही वो मैंने सांड को देखा तो मेरे तो पेट में दर्द होने लग गई। तो जो भूत आप में से निकला हुआ है या किसी और में से निकला हुआ, वो भी आपके पास आने के लिए तैयार हो जाएगा। हाँ, बाइबल में लिखा हुआ है, मती की अंजील 12:43-45 तक लिखा है कि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है, सुनने हैं, झाड़े बुआ रहे हैं, दुष्ट आत्मा के लिए आप तैयार हैं, तो दुष्ट आत्मा आएगी, आकर देखेगी, देखूं तो सही कैसे हैं, क्योंकि वो आपको जानती है, पहचानती है। उसने देखा रे इनमें तो विश्वास नहीं है, तो फिर वापस जाकर जब से आपसे बाहर गई है तो उसके कई मित्र और बन गई भूतें और दुष्ट आत्मा में बन गई मित्र, और सारी इकट्ठी थी 5-7-10। वो कहती चल मेरे साथ चलो, आप अपने चलते हैं, और वो जितनी भी हैं 7-8-10-15-2-3 इकट्ठी होकर क्या करेंगी, वहां पर उसके अंदर आ जाएंगे। साफ लिखा, अगर आपके अंदर भी अविश्वास है, अगर आपने दुष्ट आत्माओं के लिए अपना अंदर तैयार कर रखा है, तो वो तो जानती हैं, वो तो पहचानती हैं कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये तो खाली है, इसके अंदर विश्वास नहीं है। और प्रतिज्ञा जो है वो विश्वास पर आधारित है। तुम दुष्ट आत्मा को निकालोगे, ये प्रतिज्ञा है, विश्वास पर आधारित है। परमेश्वर ने कहा जो विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्मा को निकालेगा, जो विश्वास करेगा उसके अंदर दुष्ट आत्मा आएगी। लिखा है नहीं लिखा? जो विश्वास करेगा उसके अंदर दुष्ट आत्मा आएगी, ऐसा होता कभी? नहीं होता। दुष्ट आत्मा सामने खड़ी होकर उससे बातें तो करे, लेकिन उसको कोई भी हानि नहीं कर सकती। बातें करके ये कह सकती है ये परम प्रधान परमेश्वर की दासी है, ये परम प्रधान परमेश्वर की, और आपको यह भी कह सकती है ये चमत्कार चर्च के विश्वासी हैं, थोड़ा बच के ना। हालेलुया। दुष्ट आत्मा आपको पहचानती हैं और आपके पांव के नीचे हैं। नाक रगड़ के कहे दोबारा नहीं आऊंगा, हालेलुया।
या तो आप उनको अपने पांव के नीचे रखो, नहीं तो वो आपको पांव के नीचे रखेंगी, आपकी मर्जी। फिर कहता हूं, या तो आप दुष्ट आत्मा को अपने पांव के नीचे रखिएगा प्रभु यीशु के नाम से, नहीं तो फिर वो आपको अपने पांव के नीचे रख लेंगी, क्योंकि वो जानती हैं आप क्या हैं। बहुत बड़े बड़े लोगों को दुष्ट आत्मा ने परेशान किया, कितने यहां पर आपको मालूम है कितने कितने सालों से दुष्ट आत्मा थी लोगों में, और पर विश्व मसीह ने चंगा किया, पर विश्व मसीह ने छुटकारा दिया। हालेलुया। सो इसलिए कोई भी भूत प्रेत जादू टूना, कोई कहेंगे हम तो बहुत विश्वासी हैं पास्टर जी, हम तो बहुत विश्वास करते हैं, बहुत विश्वासी हैं हम तो, थोड़ी देर बाद कहेंगे मुझे लगता है मैं टूने के ऊपर से निकल गया था, इसलिए मेरे ना उस दिन का ना दिल कहूमऊ होता है, पता नहीं बीमारी कौन सी है कहूमऊ पता नहीं क्या हो रहा है उस दिन की, मुझे ना घबराहट सी होती है ऊपर से। अरे हम लोग तो गाड़ी को ऊपर से गाड़ी का टायर उसके ऊपर से निकालते हैं जानबूझकर। जब परमेश्वर आपके साथ है तो दुष्ट आत्मा कोई भी आपके विरोध में खड़ी नहीं हो सकती। हालेलुया। शैतान की कोई भी ताकत तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शैतान की सारी शक्ति पर अधिकार देता हूं। लूका 10 अध्याय उसके 19 में ही जहां हम लोग पढ़ रहे थे, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। कितनी सामर्थ पर? सारी। कोई भी शैतान की ताकत तुम्हारे सामने नहीं खड़ सकती है, कोई भी दुष्ट आत्मा, एक दुष्ट आत्मा है, दो हो, दस हो, बीस हो, हजार हो, लाखों करोड़ों हो, मिलियन ट्रिलियन, कोई भी दुष्ट आत्मा, कोई भी जादू की ताकत तुम्हारे विरोध में नहीं हो सकती है, क्योंकि दुष्ट आत्मा जानती है कि ये विश्वासी हैं प्रभु यीशु के, और दुष्ट आत्मा ये भी जानती है कि ये डरते हैं, अंदर से डर रहे हैं, अंदर को वो जानती हैं, वो कहते हैं चलो फिर डरते हैं तो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज मैं फिर कहता हूं दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जूते के नीचे रखें, प्रभु यीशु के नाम से। कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत तुम्हारा कोई हानि नहीं कर सकती, कोई भी जादू तबीज, कोई तुम्हारे ऊपर जादू कर रहा है, टूना कर रहा है, कुछ खिला रहा है, कुछ पिला रहा है, घोल घोल कर दे रहा है, तुम्हारे घर में फेंक रहा है, तुम्हारे घर में तबीज दबा रहा है, कोई भी दुष्ट आत्मा की ताकत विश्वासी के खिलाफ कोई भी कामयाब नहीं हो सकती। अगर आप विश्वासी हैं, कोई भी दुष्ट आत्मा आपके विरोध में नहीं हो सकती, क्योंकि वो जानती है कि तुम परम प्रधान परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो, तुम परम प्रधान परमेश्वर की संतान हो। वो जानती है कि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो फिर मुझे दिक्कत होगी, ये आग लगाएंगे मुझे, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, इसलिए वो आपसे भागती हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके हाथ में है, जहां तो उसे पांव के नीचे रखें, नहीं तो सिर पे तो अपने आप बैठ ही जाएगी, वो आपको रखेगी, जहां तो आप डराएं उसे, नहीं तो वो आपको डरा देगी। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें, प्रभु यीशु मसीह आपके साथ रहें।